हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल ब्रदर। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम अपडेट 4.3.2 के लिए JB1 बस के लिए लाइटिंग फाइल। ये कोड नेम में आएगा जिसे आप सबको OVV के अंदर पेस्ट करना है और उसके बाद अपना आपका बस का टेक्सचर कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, फुली मॉडिफाई हो जाएगा। बस सिमुलेटर इंडोनेशिया वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब एक बस को देखते देखते आदमी बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए मैं कोड नेम के मदद से इसको फुल्ली मॉडिफाई किया हूँ। तो ये बस आप सबको काफ़ी अच्छा खासा लगेगा जब आप ये कोड नेम ऐड कर दीजिएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। और यहाँ पर देखो मैं लाइट ऑन कर दिया और देखो अपना बस का लाइटिंग कितना भी जोर का देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर फुल HD में लाइट देखने को मिल रहा है। और इधर से मैं आगे से आप सबको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर पूरा लुक ही चेंज हो चुका है बस का, JB1 बस का। और हाँ, ये कोड नेम सिर्फ JB1 बस के लिए ही है और ये कोड नेम सिर्फ JB1 बस में ही वर्क करेगा और बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम अपडेट 4.3.2 में ही वर्क करेगा। अगर आपके पास इसका वर्जन इससे कम है या फिर ज़्यादा है, मतलब फ्यूचर में कोई और अपडेट आ जाता है, तो फिर ये कोड नेम काम नहीं करेगा। तो इसे डाउनलोड करने, ये कोड नेम को डाउनलोड करने और ऐड करने से पहले आप एक बार जांच लें कि आपका वर्जन कौन सा है, समझ गए आप लोग। और काफ़ी सारे लोग हैं जो देखते नहीं है मेरा वर्जन कौन सा है और वीडियो से डाउनलोड कर लेते हैं और बोलते हैं भाई मुझसे नहीं हुआ, फेक वीडियो ये है वो है। भाई हर एक वर्जन के लिए अलग अलग कोड नेम बनाया जाता है, तो सब कोड नेम अलग अलग वर्जन में वर्क करता है। तो ये सिर्फ 4.3.2 में ही वर्क करेगा, समझ गए आप लोग। तो फिर मैं अब बता देता हूँ इसको ऐड कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को जाके सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और बताता हूँ इसको ऐड कैसे करना है। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली आप सबको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके बाद आप सबको क्या करना है, आप सबको जाचर ऐप खोल लेना है, उसके बाद उसका एंड्रॉयड OVV कॉम्बेलियो बस सिमुलेटर ID और उसके बाद एसेट बिन डेटा में जाके आप सबको फाइल को पेस्ट कर देना है। बस इतना ही काम था आपका, लाइटिंग फाइल बोल लीजिए या फिर कोड नेम बोल लीजिए, ये लग के तैयार हो जाएगा आपका गेम के अंदर और आपका बस कुछ इस प्रकार से देखेगा JB1। तो फिर चलो दोस्तों, आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, आप लोग ऐड कर लेना डाउनलोड करके। चलो फिर मिलता हूँ कोई और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।